नमस्ते फ्रेंड्स, नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर आज की रेसिपी है नवरात्रि की स्पेशल खीर। सभी तरफ माँ अम्बे को काले चने का और पूरी का प्रसाद तो होता ही है, लेकिन माता जी का सबसे फेवरेट नैवेद्य है खीर, जो कि हर तरफ बनती ही बनती है। तो फिर चलिए, चावल की खीर बनाने के लिए मैंने लगभग हाफ कप चावल को लगभग आधे घंटे तक पानी में भिगो के रखा था, और अब हम मिक्सी जार में उसका अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप बिना पानी के पेस्ट करो, उसके बाद थोड़ा सा पानी करके उसका पेस्ट बना सकते हो। इस तरह का टेक्सचर आना चाहिए। अब उसे हम एक बर्तन में निकाल के उसमें लगभग एक ग्लास पानी ऐड करके रखेंगे। खीर के लिए हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए। मैंने बादाम, थोड़ा सा सूखा नारियल, केसर के 3-4 स्ट्रिंग और चारोली ली है। और ये हमारा जो बैटर, जैसे में हमने 1 ग्लास पानी ऐड करके रखा था, हमें यहाँ पे सिर्फ 1 से 1.5 ग्लास का पानी का इस्तेमाल करना है। और मैंने लगभग 0.5 लीटर दूध गर्म करके रखा है। आप आपके पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लगभग 1/2 कप शुगर ली है, इससे हमारे खीर मीडियम स्वीट होती है। तो फिर चलिए बनाते हैं खीर। सबसे पहले हमें जिस बर्तन में हम खीर बनाने वाले हैं उसमें हमारा जो बैटर है वो ऐड करके रखना है। यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम ऑफ रखनी है, क्योंकि हमें जो मिश्रण है वो कंटिन्यूसली स्टियर करना है। इसलिए पूरा बैटर ऐड करने के बाद आपको गैस की फ्लेम ऑन करनी है, और हाई फ्लेम पर आपको कंटिन्यूसली स्टियर करना है, क्योंकि राइस जो है वो नीचे चिपक के हमारे खीर लग सकती है। इसलिए हमें कंटिन्यूसली इसे हिला के रखना है, जब तक उसे बॉईल ना आए और हमारा जो अंदर का चावल है वो कुक ना हो जाए, हमें कंटिन्यूसली स्टियर करना है। हमें इस प्रोसेस को लगभग 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हम हाई फ्लेम पे कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हाई फ्लेम पे कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली उसके ऊपर ध्यान रखना है, या फिर आप लो मीडियम या फिर हाई मीडियम फ्लेम पे ये कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यूसली आपको खीर को हिलाना है, ताकि जब उसका बॉईल आएगा और हमारा राइस जो है अभी दिख रहे ना, दाने दाने दिख रहे, उसके बाद वो दिखेंगे नहीं, वो पूरी तरह से अच्छे से दिखे फ्रेंड्स घुलने लगा है, अपने आप खीर का कलर चेंज होता जाएगा। और हमारी जो खीर है वो पहले पानी अलग और राइस अलग लग रही थी ना, तब जैसे जैसे हमारी खीर कुक होती जाएगी, खीर का टेक्सचर हमारा गाढ़ा होते नज़र आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे खीर के चावल धीरे धीरे पकने लगे हैं, और अभी कुछ ही समय में हमारी खीर को बॉईल आएगा। इसका मतलब है हमारे जो अंदर के चावल है वो अच्छे से कुक हो रहे हैं। इस तरह से आपको कंटिन्यूसली खीर को स्टियर करना है, और देखिए खीर का टेक्सचर भी चेंज हो रहा है और हमारी खीर कितने अच्छे से गाढ़ी हो रही है। हमें बॉईल होने के बाद ही दूध को ऐड करना है, इसलिए कंटिन्यूसली स्टियर करके हमें खीर का मिश्रण कुक कर लेना है। अब हमारे खीर को थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं। अब हम गैस की फ्लेम को हम लो करेंगे और उसमें दूध ऐड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम गैस की फ्लेम लो करके उसमें हमने जो 0.5 लीटर दूध लिया है, ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से चावल पक गए हैं। अब हम लगभग 0.5 लीटर दूध उसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे मलाई भी ऐड की है, ताकि हमारे खीर का टेक्सचर और अच्छा है। अब हमें फिर से हाई फ्लेम करके उसे उबाल लानी है, लेकिन यहाँ पर भी आपको अच्छे से कंटिन्यूसली स्टियर करना है। अब हम सबसे पहले लो फ्लेम होते ही उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स, हमारी 1/2 कप शुगर, ये सब ऐड कर देंगे, और उसके बाद गैस की जो हमारी लो फ्लेम थी उसे हाई करके हम उसे बॉईल आने देंगे। इस तरह से हमें बॉईल आने तक उसे फिर से स्टियर करना है, और उसके बाद हम लो फ्लेम करके 3 से 4 मिनट के लिए उसे कुक कर लेंगे। उसके बाद आपको वापस स्टियर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाई फ्लेम है इसलिए आपको यहाँ पे जो हमारी शुगर है ना उसे हमें मेल्ट करना है, इसलिए हमें यहाँ पे हाई फ्लेम करनी है।
हमारी शुगर भी मेल्ट हो गई है और हमारे खीर के दूध को भी अच्छे से उबाल आ गई है। अब हम गैस की फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट के लिए उसे कुक कर लेंगे और इस तरह से हमारे देवी माँ की गर्मा गर्म खीर तैयार। उसके ऊपर आप घी डाल के माता दी को अच्छे से भोग लगाओ। देवी माँ का फेवरेट खीर का नैवेद्य उन्हें अर्पण कीजिए। थैंक यू।